उन्नाव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो चुनाव में हावी रहे। सर क्या कहना चाहेंगे? डाल दियो डालिन बढ़िया बात चर्चाएं सबसे कर रहे हैं फिलहाल जीतू पटवारी और अपनी माता के साथ में है, परिवार के साथ में। सर क्या कहना चाहेंगे? अब आज मतदान का दौर है, अच्छी भीड़ भी लगी हुई है। प्रचंड बहुमत का प्रतीक है ये। इतनी जल्दी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगना ये अपने बेटे को निकालने जैसा है। और मैं मानता हूँ कि अकल्पनीय है, अद्भुत है। बहुत मतलब पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है उस समय ऐसी प्रचंड बहुमत के प्यार मोहब्बत और मतदान मिलता है। मध्य प्रदेश में पूरा ओवरऑल क्या एनालिसिस कहता है जीतू पटवारी मैं का? हर बार कहता था 155 सीट से ज़्यादा आएगी तो 155 सीट से ज़्यादा आएगी, 100% आएगी। ये मतदान बदलाव का है प्रदेश सरकार का, और ये मतदान प्यार का है, मोहब्बत का है, प्रेम का है, भाईचारे का, और हमारी विधानसभा हमारे परिवार का है राम। ऐसी कौन सी मुद्दे और इश्यूज रहे जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है जनता परिवर्तन का मन? अरे बेरोजगारी है, कर्जदारी है, हाहाकार है, बीमारी है, कोविड है, भ्रष्टाचार है, घर घर में यातना है, नशा है, ये सब बदलाव के तो प्रतीक थे, हो रहा है। तो बदलाव की बात की है जीतू पटवारी ने और अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने सपरिवार मतदान किया है। तो कुल मिलाकर मतदान का दौर जारी है और जिस मतदान केंद्र पर जीतू पटवारी आए वहाँ की स्थिति दिखाते हैं आपको। आप देखिए पहले तो यहाँ पर कतारें लगी हुई है और ये तकरीबन सुबह 8:30 बजे का समय है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतदान के प्रति लोगों में जबरदस्त जागरूकता देखने को मिल रही है। आप कतारबद्ध पंक्तिबद्ध यहाँ पर लोग देख सकते हैं और ये हम कहें कि सुबह तकरीबन 7:45 बजे से इस तरह की भीड़ लगना चालू हो गई थी जो अभी तक हम देखें कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज मौसम में जरूर ठंडक घुली हुई है लेकिन मतदान के कारण जो सियासी गर्मी है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर मतदान करके गए और आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर अपना अपना इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनसे चर्चा करें। जी सर क्या कहना चाहेंगे? लोग कैसे बढ़ चढ़ कर आए क्योंकि आप लोगों की अवेयरनेस तो जबरदस्त दिखाई दे रही है। ये चुनाव का वर्ष 5 साल में एक बार आता है, ये भी एक त्यौहार है और इसको सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और वोटिंग पहले करना चाहिए, मतदान पहले करना चाहिए। और ये जो हमारा जो वार्ड ये विधानसभा वार्ड है हमारे बड़े भाई जीतू पटवारी जी का है और अच्छे भारी बहुतों मतों से जीतेगी। आप कब से यहाँ पर लगे हैं? ये कम तकरीबन हमें आधे से 1.25 घंटा हो गया और कम से कम 1 घंटा और लग सकता है जिस हिसाब से हमारी लाइन दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और दूसरी तरफ हम चलते हैं तो महिलाओं को भी हम देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर जो तमाम महिलाएं हैं उनमें जीतू पटवारी के परिवार से भी जुड़े तमाम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मतदान के लिए दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अवेयरनेस एक जो जागरूकता जिसको लेकर लंबे समय से प्रयास थे उसका असर दिखाई दे रहा है और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी अब अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनआई न्यूज़ इंदौर।